कूद पड़ी और जो माँ कूदी महिषासुर के उस भैंसे पर सिंह चढ़ गया। माँ त्रिशूल लेकर जो कूद पड़ी कात्यायनी माता महिषासुर मर्दनी बन गई। महिषासुर बोल दुर्गा महारानी की जय। राज राजेश्वरी माता की जय। महिषासुर मर्दनी माता की जय। हर हर महादेव। माता ने महिषासुर के प्राणों को हर भर हरा प्राण। माँ जगत जननी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी मैया प्राणों को हर ली। समय आया आगे सुंदर भाव व्यक्त करा। भगवान शंकर के सुंदर आनंद में भावों में शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु जब नित्य लीला का स्मरण करते हैं समय आता है भगवान शंकर के कुछ अवतार माँ जगत जननी माता पार्वती के साथ में होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर एक बार महाकाल बने तो पार्वती महाकाली बनी। शंकर एक बार तार बने तो माता तारा देवी बनी। भगवान शिव का एक अवतार बाल भुवनेश हुआ तो पार्वती भुवनेश्वरी बनी। शिव जी का एक अवतार श्री विधेश हुआ माता पार्वती श्री विद्या बनी। शिव जी का एक अवतार भैरव हुआ तो माता पार्वती भैरवी बनी। भगवान शंकर का एक अवतार छिन्न मस्तक हुआ तो माता छिन्न मस्ता बनी। एक अवतार धूमवान हुआ तो माता पार्वती धूमावती बनी। इस अवतार में छिन्न मस्ता जो माता है जब छिन्न मस्तक शिव जी हुए तो छिन्न मस्ता माता पार्वती। छिन्न मस्ता माता की कथा से हमको ये सीखने को मिलता है कि पार्वती जी की दो सहेलियां पार्वती जी के साथ स्नान करने गईं और स्नान करते समय उन सखियों को उन सहेलियों को भूख लगने लगी। देखिएगा जरा माता की कृपा देखिए माता की दया देखिए माता की करुणा देखिए भूख लग रही। फिर वही वाली बात आ गई जो अभी कथा में कही थी जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है पेट उसने दिया है तो भर भी वही देता है दूसरा कोई नहीं भरेगा भरेगा वही। अगर उसने पेट दिया है तो भरने की जवाबदारी उसकी है और वही हुआ। दोनों सखियां कहने लगी है पार्वती बहुत भूख लग रही है। पार्वती जी बोली भूख तुम अभी तो भोजन कर आई थी तुमने अभी तो भोजन किया था और अभी भोजन करा और फिर वापिस तुम्हें भूख लगने लगी। हाँ पार्वती भूख लग रही है और बहुत तेज भूख लग रही है पार्वती। अब पार्वती जी ने देखा यहां से कहां से हम तुमको भोजन ला कर देंगे अब इतने जंगल में घने जंगल में कहां तुम्हारे लिए भोजन मिलेगा। तो माता पार्वती जी ने विचार कर अब करें क्या तुम्हारे लिए। तो माता पार्वती ने देखा फिर सखियों ने कहा भूख लग रही है पार्वती बहुत तेज भूख लग रही है केवल एक जगत की माँ ही ऐसी हो सकती है केवल एक माँ। माता पार्वती जी ने अपना सिर काट दिया। माँ जगत जननी जगदम्बा ने अपना सिर काटा और काटते से ही माता के गले में से रक्त की दो धार निकली सामने और एक धार निकली सम्मुख में। माँ जगत जननी ने अपना सिर काट के हाथ में लिया सामने रक्त की धार निकली तो सखियों से माता कह रही है लो तुम्हारा पेट भर देती हूं। दोनों सखियों ने मुंह खोला माता का रक्त माँ पिला रही है और सामने जो माता का शीश था उसमें भी रक्त की एक धार जा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये केवल एक माँ हो सकती है जो अपना रक्त भी अपने बच्चों को पिला देती है वो माँ केवल एक माँ वो दूसरी कोई नहीं हो सकती उसी का नाम छिन्नमस्ता हुआ।
और केवल एक कथा नहीं, यहाँ शंकर भगवान ध्रुमबान बने हैं तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी है। और ध्रुमावती माता का चरित्र उठाकर देखिए, जब माँ जगत जननी शंकर के पास में बैठी थी और भगवान शिव नेत्र बंद कर बैठे थे, हजार वर्ष की साधना में शिव डूबे हुए थे और शंकर भगवान कहकर साधना में लीन हुए थे कि पार्वती अभी मैं उठूंगा नहीं, मुझे जगाना नहीं, मैं तब साधना कर रहा हूँ। जैसे एक पति अगर नौकरी पर जाता है, सर्विस करने जाता है तो कहकर जाता है मैं जा रहा हूँ, फोन मत लगाना, मैं खुद फोन कर दूंगा वहां पहुंचते से, तो मुझे फोन मत लगाना। कई पत्नियों की बहुत आदत रहती फोन लगाने की, दिन भर उनके पास यही काम, का कर रहे हो, कहां हो, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया, मर रहा था। और 15 मिनट में बस गाड़ी में अभी हाल बैठे, अभी थोड़ी सी दूर नहीं गए फोन लगा देगी, कहां हो। और पति कहते जहन्नुम में, तो बेचारा अभी बैठा गाड़ी में, अभी गया है, थोड़ी तो सबर खा, अभी बोल के गया कि मैं जा रही हूं, पांव पड़ के गया दिल्ली जा। अब काम भी करने देगी कि फिर फोन लगा देता, गाड़ी से उतरे नहीं फोन, फिर थोड़ी देर में फिर फोन, फिर फोन। बेचारा इतना दुखी हो जाए कि आखिरी में उसको फोन को भी वो कौन सा मोड होता, फ्लाइट मोड पे डाल के रखना पड़ेगा, तो बंद कर दे इसको, तो जान थोड़ी देर बंद कर। और फिर नहीं उठे फोन, और फिर बाद में उठ जाए तो इतनी भयंकर गरजे, इतनी भयंकर। एक पति की पत्नी मर गई और पति अंतिम संस्कार कर आ रहा था, आते सी एकदम बिजली कड़की, दम, जैसी बिजली कड़की, पति ने झुक कर प्रणाम करा, पहुंच गई। साथ वालों ने पूछा तुझे कैसे मालूम पहुंच गई, पति बोला नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते सी गरजी है, मतलब समझ में आ गया कि पहुंच गई सही जगह, पहुंच गई, समझ गए। एक पति की पत्नी मर गई, खूब रोया बेचारा, उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य कहते कहते, आम के पेड़ था, उसके नीचे से अर्थी निकल रही थी, आम के पेड़ पे कूद गया बंदर, जो डाल थी वो नीचे झुक गई, झुकते से पत्नी की छाती पे दब गई, पत्नी जिंदा होके बैठ गई। जैसी पत्नी जिंदा होके बैठी, सब छोड़ के भागे, भूतनी जाग गई, सब भाग गए, जिंदा रही वो 4-6 साल तक, 6 साल के बाद फिर मर गई। पति फिर रोया, पर रोया एक जगह बैठ के नहीं, कहीं यहाँ जाए रोता हुआ, कहीं वहाँ जाए, कहीं वहाँ जाए, कहीं वहाँ जाए। गांव के लोग बोलने लगे यहाँ बैठ के रो, इधर उधर क्यों जा रही है, कि कुल्हाड़ी ढूंढ रही हो, तो कुल्हाड़ी काय को ढूंढ रहा, पहले आम का पेड़ कटवाऊंगा फिर लेके जाऊंगा। एक बार का भुगत चुका हूं, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है पीछा छुड़ाने का, फिर जिंदा हो गई तो टेंशन। तो जो ज्यादा टेंशन देती है ना, तो पति लोग भी सोचते हैं कि भगवान कब मायके जा। शिव जी कहकर मौन हुए थे कि मैं चुप हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, मैं नयन बंद कर बैठा हूं, साधना में लगाऊ, पार्वती आप मुझे जगाओगी ना, ठीक है। पार्वती जी ने कहा ठीक है, नहीं जगाएंगे। और पार्वती मैया बैठी थी, थोड़ी देर बाद गणेश जी आ गए, माँ भूख लगी, माता अंदर गई, भोजन शाला में भोजन नहीं था। थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए, माँ भूख लग रही है, भोजन नहीं। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी आ गई, शिव जी की बेटी, भोजन नहीं। फिर जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली, देव, शंकर की 5 लड़कियां और आ गई, माँ भूख लगी है, भोजन नहीं। जैसे आपका घर है वैसे शंकर जी का घर है, कभी कभी अपने घर में भी कोई वस्तु नहीं रहती, होता है कभी कभी, वैसे घर में बहुत सारा सामान पड़ा रहेगा, पर कोई अतिथि आएगा तो हो सकता है सामान ना भी मिले, ये तो समय की बात है, नहीं मिला। खूब जम के पुकारा गणेश जी ने, कार्तिकेय ने, जया ने, विषहरा ने, सामरीवारी, दौतली, देव,
अशोक सुंदरी सबने पुकारा माँ भूख लग रही है, माँ ने शंकर जी के ऊपर एक लोटा पानी चढ़ाया, भोलेनाथ बच्चे भूखे हैं, आप नेत्र खोलिए, कहीं से भोजन की व्यवस्था करिए, कहीं से भोजन ला दीजिए। शिव जी नेत्र नहीं खोले। जब शंकर भगवान ने नेत्र नहीं खोले, पार्वती जी ने बार बार शंकर जी को पुकारा पर शिव जी नेत्र नहीं खोलते, तो पार्वती ने देखा ये शंभू तो नेत्र नहीं खोलते, बच्चे भूखे हैं, मैं कहां से लाऊंगी कुछ भाग। माँ अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। शिव जी को फिर चरण धोए, शंकर नहीं जागे, बेलपत्री चढ़ाई नहीं जागे। पार्वती को क्रोध आ गया, शंकर भगवान को उठाया पार्वती ने, और पार्वती ने उठाकर शिव जी को मुख में निगल लिया। और मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती शंकर को निगल गई, जैसे ही निगली माता के स्तनों में दूध आना प्रारंभ हो गया, और माता के स्तनों में जब दूध आया तो गणेश कार्तिकेय और भगवान कन्याओं को मां जगत जननी ने पेट भरकर पिलाया, हाहाकार मच गया, शिव ना जाने कहां चले गए, शंकर नहीं दिख रहे, त्रिलोकी का नाथ नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा बच्चे भूखे थे, अपने बच्चों को भूखा कैसे देखती माँ, इसलिए शिव को निगल गई जिससे स्तनों में दूध आ जाए। माए कलकत्ता में परसों कहा था, बच्चे भोजन कर लेते हैं और माँ का पात्र खाली रह जाता है, पेट भर कर बच्चों को भोजन कराती है माँ, खुद भले भूखी रह जाए। भाव का है, माई के दुधवन जैसन कौ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कौ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती, माई के आशीष जैसन, माई के आशीष जैसन कौ आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना, सब कुछ मिल सकता है पर माँ नहीं मिलेगी, माँ नहीं मिल सकती। अरे भाई करोड़ों की संपदा भी माता के चरणों में वार दो तो भी कर्जा नहीं चुका सकते तुम, गर्भ भर मोर चाले हीरा मोतिया से नजर उतार तुम, अगर मन हो संपदा हो तो भी बार दोगे तो भी नहीं उसका आप कर चुका सकते। पार्वती मैया निकल गई शिव जी को, हाहाकार मच गया, शंकर कहाँ है, सबने पार्वती जी की स्तुति करी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे अम्बा, हे पार्वती, हे माँ कृपा करो, आप जगत धात्री हो, दुर्गा हो, आप कृपा करो। तब माता ने कहा क्या चाहते हो आप, शंकर को निकल गई उन्हें प्रकट करिए। शिव को क्यों निकला आपने, पार्वती जी कहती है मेरे बच्चों का पेट कौन भरता,
जगत में जाकर हाथ नहीं फैलाती, माँ अपना दूध पिलाकर बच्चों का पेट भरती है, इसलिए मैंने पेट भरा। माँ शिव को प्रकट कर दो। माता ने अपनी नासिका से मुख से धुएं को निकालना प्रारंभ करा। शंकर भगवान ध्रुमवान बनकर प्रगटे, पार्वती मैया ध्रुमावती बन गई। माँ पार्वती का एक नाम हो गया ध्रुमावती और शिव जी बन गए ध्रुमवान। 10 अवतार में शंकर जी के पार्वती के साथ ध्रुमावना और ध्रुमावती का अवतार है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निगल गई थी, इसलिए तुम ध्रुमावती अगर बनी हो तो तुम बेधव्य रूप में पूजाओगी। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मूर्ति है ध्रुमावती की, वो भी दतिया और झांसी, दतिया के अंदर, झांसी के पास में दतिया में, जहां पर माता ध्रुमावती की पूजन होती है, जहां माता मंगलसूत्र नहीं पहनती, जहां माता लाल वस्त्र नहीं पहनती, जहां माता बिछुड़ी नहीं पहनती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं भरती, बिंदी नहीं लगाती, वो ध्रुमावती माता है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए वैधव्य के वेश में पूजी जाओगी, इसलिए ध्रुमावती माता वैधव्यवती के रूप में पूजी जाती, इसलिए वहां पर सुहागन स्त्री अंदर प्रवेश नहीं करती। वहां लिखा हुआ है, आप लोग कभी दतिया गए हो दर्शन करने के लिए झांसी के पास आएंगे तो वहां पर लिखा हुआ, ये ध्रुमावती का दरबार है, यहाँ पर सौभाग्यवती नारी अंदर नहीं आ सकती, माँ पर्दा डला रहता है, गेट बंद रहता है, माँ केवल पुरुष ही दर्शन करते। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है ध्रुमावती माता। अपने बच्चों के लिए माँ क्या ना कर दे, ये माता की करुणता है, ये माता का स्नेह, माता का प्रेम है, ये माता की वात्सल्य है। शिवजी ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी, शंकर भगवान बगला मुख बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी, भगवान शंकर मातंग बने तो पार्वती मातंगी बनी, और भगवान शंकर कमल बने तो माता पार्वती कमला बनी। शिवजी के ये 10 अवतार माता पार्वती के साथ में हुए, 10 अवतार शिव जी के पार्वती के साथ। आगे जो भगवान शंकर की सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराया गया, एक बार भगवान हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर प्राप्त करा, महाराज ना दिन में मरू, ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना पशु से, ना ही 12 महीने में मरूं, ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वो तथास्तु वर मिला, और हिरण्यकशिपु ने उपद्रव मचाया है। हिरण्यकशिपु की पत्नी जो गर्भ से थी उसको इंद्र ले गए थे, इंद्र से नारद जी ने छुड़ा लिया था, नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को गर्भस्थ अवस्था में इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते सी भगवान के नाम का एहलाद करा, उसका नाम प्रहलाद हो गया। क्या नाम पड़ गया? प्रहलाद। ये गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद का, और प्रहलाद गर्भ ज्ञान धारण करने वाले प्रहलाद जी महाराज गर्भ अवस्था में भगवत का इतना स्मरण करा कि हर पल हर क्षण हर घड़ी उनके मुख से केवल भगवान का ही भजन निकलता, केवल भगवान। हर पल हर घड़ी हर पल हर क्षण प्रहलाद के मुख से बस केवल नाम स्मरण। गुरु के घर पढ़ने भेजा पर गर्भ का ज्ञान प्रथम होता, पहले गर्भवती माताओं के लिए घर की सास कहती थी थोड़ा सा भजन करा कर, बहुओं को बड़ा बुरा लगता है, थोड़ा भजन करा करो, कथा पढ़ा करो, कथा सुना करो, गर्भवती नारी को कथा सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, पहले की माताएं कहती थी। और आज के जमाने में डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर ने बोल देती, बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, दिन भर चरती रहो, बेड रेस्ट। खूब चरो, किसी की मत सुनो, और पलंग पे दिन भर टीवी देखो, और टीवी देख देख के, नाटक देख देख के, गर्भ में जो बच्चा था उसने इतने नाटक देखे तो औलाद भी ऐसी नौटंकी पैदा हुई, ऐसी नाटक करने वाली औलाद पैदा हुई, गोदी में रखो तो चुप, नीचे छोड़ो तो पें पें करे,
ऐसी हो रहा। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी फिर कह देती है, कहने में कोई मान चुके क्या? माताएं कह देती है हमारे भी पांच पांच छह छह बच्चे थे री बेटा, खिला दे पिला दे पटक देते खेलते रहते, पर गजब की औलाद पैदा करी जगदम्बा तूने ही पैदा करी, तेरे बराबर किसी ने नहीं पैदा करी ऐसी औलाद। सास उन भी हाथ पर जोड़ लेती ऐसी औलाद के तो तुम ही संभालो, सास के सारा काम मैं कर लूं पर औलाद तुम ही संभालो तुम्हारी, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई है ना। पहले सास से पूछे उसकी औलाद कैसे हुई थी, तो कहे भगवत भजन कर कर राम करते, तुलसी जी में पानी डालते, भगवान का भजन करते, संत आते उनकी सेवा करते, ब्राह्मण आते गुरुजन आते भोजन करते उनके लिए भोजन बनाते, रोज भगवत चर्चा करते, हमारी सास भगवान का भजन करती स्मरण करती। और सास जब हम गर्भ में रखते बच्चों को तो सास हमसे ज्यादा काम कराती, जाओ झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ चक्की करो ये करो वो करो, तो संतान भी नॉर्मल जन्म लेती। और आज के जमाने में बेड रेस करते करते टीवी देख देख के औलाद पैदा हुई, आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया सीजर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। बड़ा विचित्र जमाना हो गया, सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है, बड़ा गजब का जमाना हुआ। ऑपरेशन के बिना आएंगे नहीं और वेंटिलेटर के बिना जाएंगे, बड़ा विचित्र। पहले के जमाने में मरना भी सस्ता था और पैदा होना भी सस्ता था, पैसा ही नहीं लगता था, पैदे होने में भी पैसा नहीं लगता था और मरने में भी पैसा नहीं लगता था। आज के जमाने में दोनों में पैसा लगता है, पैदा हुए ऑपरेशन से तो पैसा लग गया 25-50 हजार रुपए, और मरे तो फिर वो वेंटिलेटर का खर्चा तो हमें मालूम ही होगा 1.25-1.5 लाख तो हो ही जाता है, फिर मरने पर भी खर्चा होगा। दोनों महंगे हो, और अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओ और अम्मा का कहना मान के रह जाओ तो पत्नी या पति के प्राण खा जाए, तुम तो पैसे जोड़ जोड़ के मर जाओ, हमारी तबीयत खराब, तुम तुम्हारी अम्मा के कहने पे चल रहा है, हमें डॉक्टर तक को नहीं दिखा रहे, तो बेचारा गाड़ी पे बिठा के ले गया बुलेट पे, चल ले जाओ दिखाया, जब डॉक्टर के दिखा दिया सुख चैन मिल गया, सुख चैन। कोई पूछ रहा था गुरुजी बच्चों को इतनी बीमारी हो जाती है ना, जरा जरा से बच्चों को कभी सर्दी हो रही, कभी बुखार आ रहा, कभी सांस चल रही, कभी कुछ हो रहा, इतने बच्चे बीमार होते हैं, पहले तो होते ही नहीं थे। हमने कहा पहले बच्चे जन्म लेते थे दादी के घर में, नानी के घर में, बच्चे जहां होते हैं उसको उस जगह से लगाव होता है, उस जगह से लगा, नहीं तो ये जो कथा हो रही है मुंबई में हो जाती, पर ये जिस जगह में पैदा हुए उस जगह से लगाव होता है। बच्चे दादी के घर में पैदा हुए तो दादी से प्रेम होता है, नानी के घर में पैदा होते तो नानी से प्रेम होता है, तो जहाँ प्रेम होता है बच्चे दौड़ दौड़ के वहीं जाते हैं। इसलिए पहले के जमाने में बच्चे दादी के घर दौड़ दौड़ के जाते थे, नानी के घर दौड़ दौड़ के चले जाते थे, आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो डॉक्टर सिस्टर से प्रेम बहुत होता है, इसलिए हर 15 दिन में लेके जाना पड़ता है, ये तो प्रेम की बात है, ले जाओ उनको दिखाने। और जैसे ही डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े वो बच्चा ठीक, तुम देखना अच्छा ना दवाई ना भाई, डॉक्टर ने हाथ लगाया ना उतनी देर में बीमारी अच्छी हो जाती है उतनी देर में, बस क्योंकि पैसा लगना है ना, वो पैसा लगा और तुम क्लीन हुए, तुम बढ़िया हुए, हो जाए। अब प्रहलाद जी महाराज ने खूब सत्संग भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, नाम जाप करा, इतना करा, खोलते तेल में डलवा दिया, अग्नि में पटकवा दिया, पर कुछ जाको राखे साइया मार सके ना कोई नहीं। अंत में पूछ लिया क्या इस खंभे में तेरा भगवान? हाँ। शाम का समय था, गदा का प्रहार करा, खंभा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ कर ले गए, ना नीचे मरे ना ऊपर मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना नर से मरे ना पशु से मरे, ना ही 12 महीने में मरे। भगवान नरसिंह बनकर प्रगटे, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर धारण कर लिया। हिरण्यकशिपु जैसे ही मरा प्राण छूटे, नरसिंह भगवान आनंद कर गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर आनंद समाहित हो गए। पर यहां तक की कथा तो भागवत में आपने सुनी है,
पर भागवत के अलावा नरसिंह भगवान की कथा यहाँ क्यों लिखी गई? उसका एक कारण था, भगवान नरसिंह को इतना क्रोध आया कि जहां जाते थे वहां तोड़ फोड़ कर कर जाते थे। बैकुंठ में गए तो बैकुंठ को तोड़िया, ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी भग गए, इंद्रलोक में गए तो इंद्र जी भग गए, सारे सिंहासन तोड़ देते, समान तोड़ देते। इतना क्रोध नरसिंह भगवान को भरा हुआ था, इतना क्रोध भरा था। सारे देवताओं ने जाकर भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करा, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश बाबा, कृपा करो, हे भोलेनाथ करुणा। सारे देवता खड़े हैं शंकर भगवान पार्वती के साथ, नंदी भृंगी श्रृंगी गले में सर्प सब विराजमान, और बाबा की स्तुति। तू क्यों चिंता करता है कन्हैया, बोलने दे। कन्हैया कहते हैं, नहीं, दुनिया में दूसरे अगर व्यक्ति कोई उंगली उठाए, दूसरा व्यक्ति अपशब्द कहे, दूसरा व्यक्ति ताने दे, दूसरा व्यक्ति गालियां दे, चल जाएगा, पर कोई अपना अपना ही जो अपनों से जुड़ा हुआ है, वो अपना ही जब उंगली उठाता है, अपना ही व्यक्ति जब ताने देता है, अपना ही व्यक्ति जब गालियां देता है, अपना ही व्यक्ति जब अपशब्द कहता है, तो बड़ा बुरा लगता है। मेरे कृष्ण कह रहे हैं, कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता के अंदर कि मत दो किसी को धन, गर्ग संहिता में लिखा है, मत दो किसी को दौलत, मत दो किसी को प्रॉपर्टी, मत दो किसी को वैभव। गर्ग संहिता में लिखा है कि मत दो किसी को वस्त्र, मत दो किसी को आभूषण, मत दो किसी को दौलत, मत दो किसी को धन, मत दो किसी को वैभव। पर गर्ग संहिता कहती है कि आप कुछ मत देना, गर्ग संहिता कहती है पर मीठी वाणी जरूर देना। आप मत दीजिए, एक मिठास से परिपूर्ण वाणी जरूर प्रदान करिए। क्या भगवान शंकर भक्तों के घर में ऐसी आ जाते हैं? नहीं, निर्मल मन चाहिए। कात्यायनी माता क्या ऐसे ही प्रकट हो गई? और किसको मारने के लिए प्रकट हुई थी? वो महिषासुर को। धनु राजा के दो पुत्र रंभकरंभ, करंब चले गया संतान के लिए तप करते करते, पर उनके यहाँ संतान नहीं। रंब को लगा कि मेरे भाई को मगर ने खा लिया, पान दोनों भाई तप कर रहे थे, और मेरे भाई को मगर ने खा लिया, तो क्यों ना अब मैं ये तप बंद कर कर मैं चारों तरफ से अग्नि लगाकर उस अग्नि के मध्य में बैठ कर तप करूं। और रंब उस अग्नि में बैठ कर तप करते हैं, और भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर कहते हैं, वर मांगो, तुम्हें चाहिए क्या? तो वो रंब कहते हैं कि मुझे वर ये दे दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, जब तुम तप कर कर उठोगे, उठकर तुम जैसे जाओगे, और जिसको भी तुम प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से, स्नेह से जिसको भी देख लो, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तुम जिसको स्नेह से देख लोगे, जिसको प्रेम से देख लोगे, बस उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अच्छा, एक ये महिषासुर की कथा से एक सीखने को भी मिलता है, क्या कितना सुंदर ब्रह्मा जी ने वर दिया कि तुम किसी को भी प्रेम से देख लोगे, उससे तुम्हारी संतान हो जाएगी, उससे तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उससे तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। पर अगर समझने वाली बात हो तो कितना सुंदर है कि आप किसी को भी, एक गौ माता है, एक स्वान है, कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक चूहा है, एक खरगोश है, हिरण है, किसी को भी, आप जीव को भी एक प्रेम के हाथ से सहला कर देखना, गौ माता को एक बार हाथ रख कर देखना, और प्रेम के हाथ से है। एक कुत्ते के बच्चे को भी आप प्रेम से सहला कर देखना, वो आपके पीछे पीछे दुम हिला कर घूमेगा। आप गौ माता को सहला कर देखना, गाय भी आपके सामने गले को ऊंचा करेगी कि और मुझे सहलाते जाए। प्रेम अर्थात
अगर यहाँ कहा जा रहा है कि आप अगर किसी को प्रेम से देखोगे तो उसी के द्वारा तुम्हारी संतान होगी, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद होगी, उसी के द्वारा तुम्हारा पुत्र होगा, तो शास्त्र यही कहता है कि आप जिसको प्रेम देंगे वो अपना हो जाएगा, आप जिसको स्नेह देंगे वो अपना हो जाएगा, भले विरोधी वासी क्यों ना हो। एक संत गंगा नहाकर आ रहे थे और एक व्यक्ति इनसे बहुत ईर्ष्या करता था क्योंकि इनका नाम बहुत चल रहा था। जब किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी ब्राह्मण कोई कथाकार कोई वक्ता कोई ज्योतिषाचार्य कोई श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण कोई श्रेष्ठ विद्वज्जन जब उसका खूब नाम चलने लगता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर उंगलियां उठाना प्रारंभ कर देते हैं, बेमतलब की फालतू बातों को ढूंढेंगे और उसको जगत में ले जाकर छोड़ेंगे कि कैसे ना कैसे इसके ऊपर गलत लांछन लगाया जाए। एक संत रोज गंगा नहाकर आते थे, इनका नाम सबदूर चल रहा था कि महाराज रोज गंगा नहाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान शंकर का गुणनवाद करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं, इनका नाम बहुत चला। अब इतना नाम चला तो इनसे जो जलने वाला था वो भी रोज मंदिर जाता था, वो भी रोज गुणगान गाता था, वो भी रोज स्मरण करता था, पर उसको कोई नाम नहीं चला, उसका कोई नाम का स्मरण नहीं हुआ, उसको कोई ने पूछा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं हो पाया, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके मन में ईर्ष्या भरा गई। अब ईर्ष्या भरा गई तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और खूब सारा पान खा के बैठा। अब संत जैसे गंगा नहा कर आए तो इसने ऊपर से थूक दिया संत पर। अब संत पर थूका तो संत बेचारे वापस गंगा नहाने चले गए, ये वापस आए नहा के, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए। दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि संत वहाँ से निकल जाए, रास्ता भी वही था क्योंकि दूसरे रास्ते से स्त्रियां गंगा नहाने आती थी तो संत वहाँ जाते ही नहीं थे। संत जब जब निकलते ये पेड़ पर बैठा बैठा थूकता रहता, संत ने इसको झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, क्योंकि ये थूकने वाले को क्या देखे, इसको देख कर करना क्या, इसको नहीं देखा। वो बार बार थूक रहा है, वो बार बार स्नान कर रहे हैं, आए। अब की बार जब वापिस आए तो जो ऊपर बैठकर थूक रहा था उसके मुख में पान का पीक थूक सब समाप्त हो गया था, आकर चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मैंने इतनी बार आपको थूका पर आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। गुरुजी बोले तू मेरे पांव मत पकड़, आज मुझे एक मौका दे दे कि मैं तेरे चरण पकड़ लूं। गुरुदेव आप मेरे चरण, मैंने आप पर थूका है, मैंने आप पर अपशब्द कहे हैं, मैंने थूका है आप पर और आप मेरे पांव पड़ना चाहते हैं। गुरुजी बोले, संत बोले, भाई देख रोज गंगा की एक डुबकी लगाकर चले जाता था पर आज तेरी ऐसी करुणा हो गई, कृपा हो गई कि 108 बार डुबकी लग गई, तेरी कृपा हुई है, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो थूकता रहा मैं गंगा नहाता रहा, रोज एक गंगा की डुबकी लगाता था, आज 108 बार डुबकी लग गई, ये तेरी कृपा ही तो है। उसकी आंख में आंसू भर गए कि संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, विद्वान विद्वान होता है। दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाए, कितने भी ताने दे, कितने भी अपशब्द कहें, आप मौन रहिए, संत जैसा भाव रखिए, आपकी निर्मल चादर निर्मल, भीतर से निर्मलता का भाव होना चाहिए, भाव शुद्ध होगा भगवान मिल जाएगा, मिलेगा वो। रंभ को वर मिल गया कि तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा तुम्हें संतान हो जाएगी, बस प्रेम। बहुत अंतर है महाराज जी प्रेम और प्यार में, जमीर और आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना महाराज।
प्यार दिखावे का होता है, प्यार में खून और खच्चर होता है, प्यार में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्यार में बर्बाद होने को तैयार हो जाते हैं, पर प्रेम में ना खून खच्चर होता है, प्रेम में ना अपशब्द निकलता है, प्रेम में ना ताने दिए जाते हैं, प्रेम केवल एक स्नेह का होता है, जैसे एक माता पिता का बच्चे से हो, एक करुणता का रहता है। जैसे राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया था कि ये बताओ ठाकुर, हे कृष्ण मैं कहां कहां पर हूं बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरे नस नस में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरे नयनों में, राधा तू मेरी जिभ्या में, राधा तू मेरी श्रवणता में, राधा तू मेरी रोमावली में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरी नस नस में है। हर जगह पर राधा है। तो राधा कहती है कृष्ण अब ये बता दो कि मैं कहां पर नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, तू मेरे भाग्य में नहीं है। 16,108 रानियों के साथ में भगवान की शादी हुई, पर राधा के साथ कहीं पटरानियों में, रानियों में, 108 पटरानियों में, 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं आता महाराज। तू मेरे भाग्य में नहीं है। प्रेम यही होता है, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में करुणा होती है। पर दुनिया के लोग प्यार और प्रेम को एक कर दिए, कहीं कह दिया हम तो प्रेम, इसको प्रेम नहीं कर सकते कि दो दिन का हुआ और फिर आखिरी में तलाक हो गया। प्रेम कर प्यार कर स्नेह कर आपने शादी तो कर ली कि हम तो एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे को स्नेह करते हैं। शादी करने के 4 साल, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल में अदालत में पहुंच गए और मालूम पड़े फिर तलाक हो गया। इसको प्यार नहीं कह सकते, इसको प्रेम नहीं कह सकते, इसको केवल साधारण सी भाषा में स्नेह प्यार कहा होगा। पर प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम का परिभाषा का अंश क्या होता है, वो केवल एक होता है। प्रेम में ना अपशब्द होते हैं, ना ताने होते हैं, ना गालियां होती हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करें हैं और भगवान ने अगर हमारा बुरा भी कर दिया है तो हम उसमें भगवान को दोष नहीं देते, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। यही प्रेम कहलाता है, इसी को प्रेम कहते हैं। उसमें हमने भगवान को दोष नहीं दिया है, गलती हमारी होगी, हो सकता है हमको कुछ सहन करना पड़ेगा, हो सकता है हमारे ऊपर कोई बात होगी इसलिए भगवान ने अच्छा ना किया, वो प्रेम। वो प्रेमता है महाराज दंब, तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा संतान हो जाएगी। बस शास्त्र बहुत सुंदर बात कह रहा है, आप पड़ोसी के बच्चों से भी प्रेम कर लोगे ना तो वो जाके तुम्हारे लिए दूध की थैली ला देंगे। बोलो सही है कि गलत है। बच्चों के, पड़ोसी के बच्चों से भी कह दोगे प्रेमवश की बेटा जाओ लिया तो वो ला देंगे। प्रेम के बल पर पड़ोसी के बच्चे भी अपने बच्चे बन जाते हैं अगर प्रेम है तो फिर रंभ के लिए ब्रह्मा जी ने कहां गलत कह दिया। रंभ के लिए ब्रह्मा कहां गलत कह रहे हैं कि तुम जिसे प्रेम से देखोगे वे तुम्हारी संतान हो जाएगी। और जैसे ही रंभ उठा सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उसी भैंस को, उसी महिष को प्रेम से देख लिया। प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया, महिष का गर्भ ठहर गया। और भैंस का जब गर्भ ठहरा, जब भैंस अपने घर पर गई तो इसका जो भैंसा था, महिषा था, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भ से कैसे हो गई। ध्यान लगाया उस महिषा ने, उस भैंसे ने, तो ध्यान में आया कि रंभ के दृष्टि से इसका गर्भ ठहर गया। और रंभ की दृष्टि से अगर गर्भ ठहरा तो इसको क्रोध आ गया। रंभ जा रहा था अपने घर की ओर, भैंसे ने, महिषा ने दौड़कर उस रंभ के प्राणों को हर लिया। जब रंभ के प्राण हर लिए, मर गया रंभ। रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता तैयार हुई
उस पर रंब को रखकर जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसी समय पर भैंस को लगा, महिष को लगा कि बताओ हम इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, अर्थात अगर इसका पुत्र मेरे गर्भ में है तो मैं इसकी पत्नी हूं, और पत्नी का कर्म है कि पति के साथ सती हो जाए, तो क्यों ना मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। और धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई चिता में वो भैंस, वो महिष कूद गई, और जैसे ही कूदी उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? महिषासुर। एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। अब महिषासुर ने जन्म तो ले लिया, पर महिषासुर ने विचार करा कि देवताओं से द्वेष करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। महिषासुर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु लोक में आए हो तो मौत तो निश्चित है। माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, नाल कटी, उसी समय पर लिख दिया गया था कि कहां मरोगे, किस जगह पर मरोगे, कौन सी तिथि, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सी जगह, एक एक स्थान को निश्चित कर दिया गया था कि कहां तुम्हारे प्राण छूटेंगे, किस जगह पर तुम मरोगे, तुम्हारी अंतिम संस्कार अंतिम जगह कहां होगी, अंतिम श्वास तुम किस जगह पर लोगे, वो निश्चित करा गया। अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण निश्चित किया गया। इसलिए शायद कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला, जिसके कर्म का भोग जिसको भोग। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोग। हम कई बार कहते हैं माताओं से, आप अपने पतियों से कभी कभी पूछा करो, आप जो कमा कर ला रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? कभी कभी पूछ लिया करो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पति बोले कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पत्नी का फर्ज है कि पति से कह दे कि कमाऊं मना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते जाओ। अभी इतनी भयंकर कोरोना महामारी चल रही है, कहीं बन सके तो थोड़ा पुण्य अपन भी कर लें, थोड़ा सत्कर्म कर लें, थोड़ा धर्म कर लें। वावारी दुनिया मतलब कि दुनिया में किसी का कोई नहीं, सुख के साथ ही हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। जब दुख की घड़ी आती है, सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, वो छोड़कर भाग जाते हैं। अरे दूसरी जगह भी जान दो, तुम तो यहीं से सीख लो। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले कौन भागता है? बोलो जम के, बोलो जरा, अरे जम के तो बोलो, कौन भागेगा? ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, पूरी गाड़ी का तार मेर जिसके ऊपर था, जो गाड़ी को साथ कर चल रहा था। तुम दूसरी जगह तो जाओ बाद में, पहले यहीं देख लो, अपन जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, अगर भागेगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। ट्रक का एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा, भले कंडक्टर जो बैठा है उसमें बेचारा, क्लीनर जो बैठा हो बेचारा, वो भले मरे परंतु वो तो भाग गया। उसी तरह जब दुख की घड़ी रहती है, सुख की घड़ी में तो आपके दूसरे भी अपने हो जाते हैं। आप उनके पहचानते हो? हमारे काका जी का, बुआ का, लड़के का लड़का उन्हीं के अभी आया है। अगर पैसे वाला होगा तो ऐसे परिचय निकाला जाएगा, अगर धनपति होगा तो परिचय निकालने में देरी नहीं लगेगी, और कहीं का गरीब होगा तो कोई परिचय नहीं निकालेगा, अरे भैया कौन परिचय। तो यहाँ क्या उसके काका बुआ फूफा कोई नहीं थे? पर होंगे, पर सुख के समय पर सब साथ हैं, पर दुख के समय पर कोई साथ नहीं। और मेरा निवेदन रहा है, आज फिर कहता हूँ, उस दुख की घड़ी में हो चाहे सुख की घड़ी में हो, मेरा निवेदन है उस भोलेनाथ को भूलना मत, शंकर आएगा
तुम्हारा सारा कार्य कर कर वही जाएगा। माता के स्तनों में जब वो दूध दे सकता है पेट भरने के लिए बच्चों के लिए, तो मरने के समय पर भी अगर कोई वचन निभाने वाला होगा तो वो परमात्मा ही होगा, दूसरा कोई नहीं आने वाला, आएगा तो वही आएगा, कोई दूसरा नहीं। हम उसको साध लें। अरे कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी ने, प्रेम करोगे तो किसी से भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो सकती है, प्रेम करोगे तो हो सकता है अपने हो जाए, प्रेम से। हो सकता है प्रेम के बल पर। और जब भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर रही है, ब्रह्मा से वर मांगा गया कि आप हमें वर दे दीजिए। तथास्तु, ब्रह्मदेव कहते हैं मांगिए क्या चाहिए, बस मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहे ये तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है, वो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, पर भय खाकर मत मरना। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी, जिन्होंने भागवत सुनी हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। टीवी चैनल के माध्यम से जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, बोलो अपने मन से बोलो, उत्तर तो हम बता ही देंगे, पर आप थोड़ी सी देर के लिए सोचो कि द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी, उसका चीर खिंचाया जब रोई थी क्या, वन में गई थी तब रोई थी क्या, सारे रिश्तेदारों के सामने वस्त्र खींचा गया तब रोई थी क्या, नहीं। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी, जब सोते हुए 5 पुत्रों का वध हो गया था। कब रोई, जब 5 पुत्र सोते हुए मर गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी तू इतनी विद्वान नारी, तेरी विद्वत्ता के तो लोग बखान करते हैं, भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तू अपने पुत्रों के मोह में रो रही है, पुत्रों के मोह में। द्रौपदी कहती है पुत्र मर गए उसका रोना नहीं आ रहा है, तो फिर रो क्यों रही है। द्रौपदी कहती है पुत्रों के मरने पर नहीं रो रही हूँ, रो इस बात के लिए रही हूँ कि इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए। इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए, मुझे रोना इस बात का आ रहा, मैं रो इस बात के लिए रही हूं। बस आपसे भी निवेदन है, युद्ध के मैदान में मरना है हमको, हमें डर से नहीं मरना, कोरोना का भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे भीतर कि जरा से तुमको सर्दी खांसी हुई, जरा सा तुम्हारा गला सूखा, जरा सा तुम्हारा स्वाद आना बंद हो गया, तुमने सोच लिया कि अब तो बस जाने का समय आ गया, आंख में आंसू भर रहे, एकांत में कमरे में पड़े हुए रो रहे बिलख रहे, अब सबसे कह दिया दवाई गोली लो, डॉक्टर को दिखाओ, मुख पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मना नहीं है, दवाइयां भी पूरी लो, डॉक्टर को भी दिखाओ, जांच भी कराओ, और अगर मान लो रिपोर्ट जैसी भी आए, पर निवेदन केवल इतना है कि डरना नहीं है, युद्ध के मैदान में जाना है, और हो सकता है कि उस युद्ध के मैदान में, और कांप कर नहीं, डर कर नहीं। भाई से नहीं जाना, होगा वही जो मंजूर है भोले होगा, जो मेरे शंकर के हाथ में होगा वही होगा। आप
कितना भी, बस आप तो ये भाव रखो कि भगवान शिव आपके सम्मुख में आ जाए और शंकर का मैं गुणगान कर लूं, शंकर का मैं स्मरण कर लूं। और कुछ है? और जब शंकर का गुणगान भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अरे महिषासुर मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, तो महिषासुर ने भी कह दिया अगर मृत्यु निश्चित और आप कह रहे हो कि आएगी जरूर तो फिर मुझे वर दीजिए, मांग तुझे क्या चाहिए, मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। ब्रह्मा जी हंस दिए, मुस्कुरा दिए, जब कोई ऐसा वर मांगते हैं ना तो ब्रह्मा बड़े हंसते हैं। ब्रह्मा जी को हंसी इस बात की आती है कि तीन तारा से मरे हुए व्यक्ति को तो वैसे ही स्वर्ग नहीं है, ठीक है, एक पानी में डूब के मरा हुआ, एक सर्प का डसा हुआ और एक स्त्री के हाथ से मरा हुआ, और ये वर क्या मांग रहा है कि स्त्री के हाथ से मर जाओ। तो ब्रह्मा तो वैसे खुश हो गए कि इनकी बुद्धि ना जाने कब फिर गई है। अगर मांग नहीं था तो ये मांग सकते थे कि अगर मरूं तो भगवान शंकर का गुणगान करते करते मरूं, मैं भगवान का स्मरण करते करते मरूं, भगवान का भजन करते करते मरूं, भगवत नाम स्मरण करते हुए मरूं। अरे कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हो गए संसार से, हम तो उब गए महाराज, अब तो हमने सोच लिया कि हम तो मर जाएंगे। तो हम उनसे कहते हैं मरो पर थोड़ा सा फैशन चेंज करो, ये रस्सी बांध कर, जहर खाकर, पानी में डूब कर, ट्रेन के नीचे, गाड़ी के नीचे, ऊपर से गिर कर, ये तो ओल्ड फैशन है मरने का, कोई नया फैशन निकालो मरने का। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। इसलिए अगर मरना ही है और तुमने प्लानिंग कर ली कि मुझे मरना है, मैं तो संसार से उब गया, मैं तो, और एक बात हमेशा याद रखो, नौकरी करने वाला व्यक्ति, ड्यूटी करने वाला व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी से मुंह चुरा कर भाग जाता है तो उसको दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ती है। उसी तरह तुम अगर संसार से ऊब कर परेशान होकर मर भी जाओगे ना तो तुम्हें वापिस जन्म लेके फिर ड्यूटी करना पड़ेगी, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए मरने की तो प्लानिंग करो ही मत, और अगर प्लानिंग कर ली है तो भगवान का भजन करो, सेवा करो, अर्चना करो, अच्छा कार्य करो, अपने हाथों से पुण्य करो, धर्म करो, दान करो, सत्कर्म करो, भगवान से कहते रहो हे भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं भले परिवार में ना लगाऊं पर सत्कर्म में लगाता रहूं, कोई को भूखा ना जाने दूं, किसी के आगे किसी को हाथ ना फैलान दूं, ऐसा धन मुझे दे। और फिर सेवा करते 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 प्राणों को त्याग दो, तो मजा है कि हाँ प्राण त्यागे, फिर हम भले किलवा देंगे कि हाँ इसने सुसाइड कर लिया है, फिर हम भले कह देंगे, पर भगवत भजन करते हो। महिषासुर ब्रह्मदेव से वर मांग कर रहे हैं, ब्रह्मा जी वर दे दो कि मैं अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। तथास्तु कह दिया। ठीक है, पर तुम मांग रहे हो मरने का कि स्त्री के हाथ से मर जाऊं, पर समझ नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी बोले हमको वर देना, हम तो दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वर दे देंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे कि हाँ तथास्तु, और तुम्हें मिल भी जाएगा। होता है हमारा निवेदन पहले भी रहा, आज फिर कहते हैं, बेटे को कभी भी अपने माँ बाप से मांगना नहीं चाहिए, तब जब कमाने लग जाओ, नहीं कमाओ जब तक आप अपने माँ बाप से मांग लोगे चल जाएगा, बट तुम जब कमाने के लायक हो जाओ,
शरीर ऐसा हो गया कि तुम कमा सकते हो, नौकरी सर्विस धंधा पानी जो कर सकते हो कर सकते हो, फिर नहीं मांगना माँ बाप से। फिर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद वो किसको दे रहे हैं ये उनके ऊपर, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको दो। क्या चाहिए? एक माँ के दो बेटे, दोनों बेटे अपनी माँ से कहते हैं माँ हाँ बेटा क्या है बोलो, तो माँ बस आपसे कुछ बात करना है, कर लो, क्या कहना है वो बोलिए। एक बेटा बोलता है माँ मुझे जो आपने मकान बनाया है और जो जमीन है दुकान है वो मुझे दे दो। ठीक है ले जा, दे दिया। फिर एक बेटा आया, माँ बोली बेटा दुकान भी उसने ले ली है, मकान भी उसने ले लिया है, जमीन भी उसने ले ली है। बेटा कहता है माँ आशीर्वाद तो दे दे। क्या दे दे? आशीर्वाद। और तू मेरे साथ चल। माँ कहती है उसने जब जमीन ली मकान लिया दुकान ली तब मैंने कह दिया था कि ये सब मेरा है, मेरे जीते जी मेरा रहेगा, मरने के बाद तेरा रहेगा, इसलिए पिता के प्राण भी उसी मकान में छूटे हैं, इसलिए मैं उसी मकान में रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी, मैं उसी के साथ रहूँगी। ठीक है माँ आशीर्वाद तो दोगी, क्यों नहीं, तुझे कुछ नहीं मिला पर ईमानदारी से कहती हूँ मेरी जिंदगी का जितना मैंने पुण्य करा होगा, जितने मैंने व्रत करे होंगे, जितना उपास करा होगा उसका भाग मैं तुझे दे देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। परिवार में झगड़ा हो गया, अभी तक साथ थे, अब वो भाई जिसके पास कुछ नहीं था वो निकल गया। माँ आँख से आंसू बहाती रही, मैं तुझे कुछ नहीं दे पाऊँ, कुछ मत नहीं माँ, पैदा तो किया है ना तूने, दूध तो पिलाया है ना तूने, परवरिश तो तूने करी है ना माँ, कोई चिंता नहीं। बेटा चला गया किसी के यहाँ नौकरी करी, होटल पर बर्तन मांजे, फिर धीरे 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 कार्य करते 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 आज सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे घर में बर्तन नहीं है, आपके इतने सारे बर्तन मांजता हूँ, क्या एक गिलास मुझे पानी पीने के लिए दे दोगे? हाँ ले जा। सेठ जी भी दयालु था, उसने कहा एक गिलास से क्या होगा, दो तीन गिलास ले जा, थोड़े से बर्तन अंदर काले काले से पड़े हैं, वो किसी काम नहीं आ रहे होटल में, उसमें से उठा कर ले जा, लेके आ मेरे पास दे देता हूँ। सेठ जी ने थोड़े बर्तन दे दिए, ले गया धीरे धीरे धीरे। सेठ जी ने अपने मित्र से कहा अरे बहुत अच्छा लड़का है, 2 साल हो गए मेरे पास काम करते करते, कभी इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, बर्तन भी नहीं थे मैंने दे दिए। अच्छा मेरे पास में कपड़े रखे हैं दे दूं क्या लाकर? दे 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 कपड़े दे दे। फिर उसने दोस्त ने कहा एक काम कर, अब ये बर्तन मांगता रहता है, एक काम कर मेरे यहाँ पर भेज दे इसको, मेरी कंपनी में चौकीदार बना देता हूँ, वॉचमैन बना दिया। वॉचमैन से फिर एक दिन सेठ जी का लड़का बीमार पड़ गया, कोई ताह नहीं, इसको गाड़ी चलाना आती थी, ये गाड़ी लेकर भागा, इसको सेठ जी के लड़के को ठीक कराया, सेठ जी के लड़के ने इसको ड्राइवर बना लिया। ड्राइवर से छूटा, समय आया, सेठ जी के लड़के ने कहा इतना अच्छा ईमानदार कहीं मिलेगा, इसको पार्टनर बना।
पार्टनर बनाते बनाते एक दिन सेठ जी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। सेठ जी ने इसको अपना पुत्र बना लिया, 22 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। वो जिसको प्रॉपर्टी दी थी उसके लड़के ऐसे नालायक निकल गए कि एक दिन शेयर मार्केट खेलने के लिए दोस्तों के साथ बैठ गए, डब्बे में सब गोल करिया, और मालूम पड़े जो मकान था वो भी गिरवे रखा गया, जमीन थी वो भी गिरवे रखा गई, दुकान थी वो भी गिरवे रखा गई, और एक दिन सारा बर्बाद कर दिया। अब लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर घर चल रहा है। माँ अपने प्राण त्याग कर जा चुकी थी, भाई अपनी जगह था, वो अपनी जगह था। ईमानदारी से बोलो, दौलत काम आई कि आशीर्वाद काम आया? आशीर्वाद काम आया। भगवान के दरवाजे पर जाकर कभी मत कहना कि मुझे 1 लाख दो, कि 5 लाख दो, कि 10 लाख दो, कि 10 करोड़ दो, कि 20 करोड़ दो। भगवान के चरणों में जाकर कभी मत कहना कि मुझे इतनी संपदा देना। भगवान ना जाने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा होगा, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितना सोचा होगा, कितना विचार कर। बेटों की शादी नहीं होती, बेटियों की शादी नहीं होती तो चिंता बढ़ जाती है, कैसे होगी, ना जाने कब होगी, हमें चिंता लग गई। पिछली बार भी लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार फिर लॉकडाउन पड़ गया, बेटे की शादी कहां से होगी, बेटी की शादी, चिंता ना करना, जन्म उसने दिया है, भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। एक पक्षी रात को सोता है तो पेड़ की डाली को पंजे से पकड़कर सोता है, पक्षी जमीन पर गिरता है क्या? नहीं। जब वो सोने वाले पक्षी को जमीन पर नहीं गिरने दे सकता तो तुम्हें गिरने देगा क्या? विश्वास प्रबल रखना, पक्का रखना। अगर भरोसा है तो भगवान है, और अगर भरोसा नहीं तो मेरा शंभु भी नहीं है। दुनिया के लोगों को तो लगता है कि ऐसी और वाले मिश्रा जी ऐसी ऐसी कथा कहते हैं, पत्थर कोई भगवान बना दिया है, शंकर के शिवलिंग के लिए इतना अनुष्ठान, इतना पूजन, इतना स्मरण, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, शंकर का इतना अनुमोदन। कई कई लोगों को तो ये बात भी बुरी लगने लगी कि भाई इतना शंकर की पूजन करा रहे हैं और देवताओं का, हमारा नाम तो चल ही नहीं रहा, हमारा तो पूजन हो ही नहीं रहा, हमारा तो स्मरण, हमारा तो कहीं नाम ही खत्म होते जा रहा। तो कई लोगों को वो भी टेंशन है कि शंकर का ही, शंकर का उपासना, शिव का ही भजन, शंकर का अनुमोदन, शिव की करुणा, शंकर का अनुमोदन, शिव का भजन, बस यही है। एक कुएं को अच्छे से खोद लो, उसमें 50 फीट पर पानी निकल जाएगा। एक जगह पर भगवान की भक्ति का धारण कर लो, भगवान मिल जाएगा। दुनिया फिर ताने दे, अपशब्द कहे, गालियां दे, दे दे तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कहे कहे तो। बोलेंगे लोग, बोलने वाले बोलते रहे, मांग ले तुझे क्या, मरना है निश्चित है, मृत्यु आएगी पक्का है, पर स्त्री के हाथ से मरूं, ठीक है भाई, समय आ गया, आया समय। इसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है ना, तो फिर वो किसी को नहीं गिनता। एक निवेदन रहा है, फिर करते हैं, घर में अगर धन आ जाए ना, नाव में अगर छेद हो गया, पानी भराने लगा, तो दोनों हाथों से उलझकर पानी को बाहर फेंकते रहना, नहीं तो नाव उसी पानी के बोझ से डूब जाएगी। उसी तरह घर में अगर पैसा आने लगे, भगवान अगर धन देने लगे, तो दोनों हाथों से दान करते रहो, पुण्य करते रहो, शिव महापुराण की कथा करवाते रहो, सत्संग कराते रहो, दुनिया का कल्याण करते रहो, तो नाव चलती रहेगी। नहीं तो एक दिन यही पानी प्रवेश कर उस नाव को डुबो देगा। कहीं पत्नी की दृष्टि में आ जाएगा कि इतना पैसा आ रहा है, बच्चों की दृष्टि में आ जाएगा इतना धन आ रहा है, भाई बंधु की दृष्टि में आ जाएगा इतना पैसा आ रहा है, एक दिन सब लेकर डूब जाएंगे और वो धन का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हाथ में अगर भगवान धन दे तो उसका सत्कर्म करो, शिव महापुराण की कथा करवा लो, भगवत स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, ब्राह्मण जन गुरु जन भूखे को भोजन करा लो, किसी गरीबड़ी की लड़की की शादी कर दो, कहीं किसी को दवाई में कुछ रुपये की जरूरत पड़ रही हो उठा कर दे दो, ले भैया अगर आज तुम्हारी जान बच जाएगी तो हो सकता है भगवान हमारी जान बचा कर रख लेगा, थोड़ा सहयोग कर दो।
कोई पढ़ना चाहता है और पैसा नहीं है तो तुम उसको पढ़ा लिखा दो, हो सकता है कभी तो याद करेगा, जब अच्छे पद पर पहुंच जाएगा तो कहेगा तो सही कि मेरे को किताब उसने दिलाई थी, मुझे उसने दिलाया। बुरे वक्त का एक एक पल व्यक्ति को याद आता है, याद रखिएगा। अच्छे वक्त में जो तुमने करा वो याद नहीं आएगा, पर बुरे वक्त में अगर जिसने साथ दिया होगा, जिसने कहा होगा, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बुरा वक्त चल रहा, हमारा स्मरण, हमें इतनी तकलीफ चल रही, पर आपने जो बताया हमको फल मिला, आज हम भूल नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी से हम निकाल। अर्थात ये आपका पुण्य है, आपकी प्रबलता है, आपका स्नेह, आपकी करुणता है, आपका भाव है, आपकी निर्मलता है। चित्तवृत्ति स्नेह और आया समय मृत्यु थी, स्त्री के हाथ से मरना था। एक कत नामक ऋषि हुआ, क्या नाम था, कत, और कत नामक ऋषि के घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम था कात्य। क्या नाम पड़ा, कात्य। कात्य ऋषि ने अपने पिता के बतलाए अनुसार शंकर भगवान की ऐसी भक्ति धारण करी कि शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर शिवलिंग के सामने हृदय चित्त को जोड़कर शंकर के मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख में बेलपत्री चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, पूजन करना और उसी जल को नयनों से लगाकर भगवान शिव का स्मरण करना। कत के घर में हुए कात्य और कात्य के घर में फिर एक पुत्र हुए जिसका नाम था कात्याय। क्या नाम था, कात्याय। कात्यायन ऋषि ने ऐसा तप करा, जब वो 4 साल के थे कात्यायन ऋषि, तो अपने पिता कात्य से पूछा, पिताजी भजन करना, सत्संग करना, स्मरण करना, संकीर्तन करना, पूजन करना, पाठ करना, इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या, नाम ले सकते हो ले ओ, और जितना भगवान की सेवा कर सकते हो, चाकरी कर सकते हो उतनी कर, जितनी चाकरी कर सकते हो, चाकरी का मतलब मालूम है ना, नौकरी। भगवान के मंदिर में भी अगर आप जा रहे हो तो ये भाव रखकर जाना कि हम सेठ जी के घर में नौकरी करने जा रहे हैं, थोड़ा झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, हमारे यजमान हम जब स्नान करने जावे तो वो पूरी वॉशरूम धो के आए। हमने भगवती महाराज जी से कहा कि यजमान को बोल दो घर में कोई और सेवक हो तो उनको बोल दो, वो धो दिया करेंगे वॉशरूम। पर यजमान खुद स्वयं भगवती महाराज को यही बोले, जिनके घर में मुंबई में नौकर लगे होंगे, जिनके घर में मुंबई में सेवक लगे होंगे, कंपनी में और भी लोग काम करते होंगे, उनके यहाँ दूसरे काम करते होंगे, पर देखो कितना भाव है कि अगर कोई गुरुजन स्नान के लिए जावे तो वॉशरूम भी वो स्वयं साफ कर। भाव देखिए, उसकी निर्मलता देखिए। चाकरी कर लो, पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ, जिस मंदिर में लोग पानी ना चढ़ाए उस मंदिर में तुम चढ़ाओ, जिस मंदिर में लोग झाड़ू ना लगाए उस मंदिर में तुम लगाओ, जिस मंदिर में लोग पोछा ना लगाए उस मंदिर में तुम लगाओ, शंकर के मंदिर में जहां कोई ना जाए वहां एकांत में जाकर तुम बैठ जाओ, मंदिर को साफ करो, धो पोछो, शिव जी का श्रृंगार कर दो, घर से चंदन ले जाकर लेपन कर दो, कहीं की पत्ती वत्ती तोड़कर बाबा का श्रृंगार कर दो, थोड़ा एकांत में बैठकर शंकर जी से बात कर लो, एक महीना कर देख लो, फिर कह देना किसी और वाला महाराज झूठा है,
उसकी वाणी झूठी है। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई पहुंचता नहीं हो, ऐसे शंकर के मंदिर में तुम जाकर झाड़ू लगाकर पानी डालकर साफ कर कर शिव जी का श्रृंगार, पार्वती का श्रृंगार, गणेश जी का श्रृंगार, कार्तिकेय का श्रृंगार बढ़िया मल कर स्नान कर कर, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है मत चढ़ाओ, पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, घर से थोड़ा सा चंदन ले जाओ, उसको घिरला घिस कर भले गोपी चंदन हो, सादा चंदन हो, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, जो हो वो भगवान को लगा दो। श्रृंगार कर कर थोड़ी देर बन सके तो अगरबत्ती धूप बत्ती दिया जो हो लगाओ, नहीं हो तो बाबा का श्रृंगार करके थोड़ी देर जहाँ तुमने झाड़ू पोछा लगाया बाबा का श्रृंगार करा, भले उस मंदिर में कोई नहीं जाता, भले उस मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, पर तुम एकांत में बैठकर उससे थोड़ा सा स्नेह करने का प्रयास करिएगा। एक महीना कर कर देखना उसकी नौकरी तनख्वाह वो देना चालू करेगा, कितनी तनख्वाह देता है वो जाने। तो नौकरी कर तो सही, किसी के यहाँ पर जाकर एक महीना नौकरी करोगे तो तनख्वाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो तो सही, थोड़ी बहुत तो देगा रे। 5,000 रुपये महीना नहीं देगा तो 3,000 देगा, 3,000 नहीं देगा तो 1,500 देगा, 1,500 नहीं देगा तो 1,000 देगा, पर देगा तो सही। जब दुनिया के लोगों की नौकरी करते हो तो 2-5 हजार रुपये मिल जाते हैं, तो तुम कोई साधारण जगह की नौकरी कर रहे हो क्या? कोई तुमसे पूछे कहाँ चली जाता है, एक महीने से पते टिकाने नहीं, तेरी नौकरी वोकरी लग गई क्या? हाँ नौकरी लग गई, वो तो भला है, बस योर वाले महाराज का उसी ने लगवाई है, अच्छी कंपनी मिल गई। अच्छा कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री में? अरे पूछो ही मत रे, कितने। अच्छा काम क्या है? बस काम ही नहीं बता सकते। तो काम है क्या वहां पर? तो बस काम नहीं बता सकते, चले जाओ। कितनी बजे से कितनी बजे तक? ये क्या टाइम भी निश्चित नहीं है, बस वहां तो पहुंच जाओ, लगाई बुआरी, बैठ गए बाबा से 2 मिनट बात चर्चा कर। दो मिनट बैठ कर आप बस बाबा से चर्चा कर लिए, स्नेह कर लिए, बोल दिए दिल की बात, और फिर निवेदन करूंगा जब आप चाकरी करो नौकरी करो तो बोलना मत ही कि मुझे धन देना कि दौलत देना कि सत्ता देना, मत बोलना, सेठ है वो सब जानते। राजा मणिरत्न दरवाजे पर से निकल कर मंदिर के अंदर नहीं जाता, तो रानी ने पूछा तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो मणिरत्न ने कहा अगर अंदर जाऊंगा तो पंडित जी सेवा कर रहे होंगे, सेवा कर रहे होंगे तो क्या हुआ, पंडित जी सेवा कर रहे होंगे तो वो मेरे को देखेंगे तो सेवा छोड़ देंगे, क्योंकि मैं राजा, और राजा को देखकर सेवा छोड़ेंगे और मेरे सामने हाथ फैला कर कहेंगे महाराज हमको ऐसा दे दो, जब त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू बैठा है और उसके सामने लोग मेरे हाथ जोड़ें और मुझसे कहें कि मुझे ये दे दो, ये अच्छा नहीं लगेगा। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं कि आप किसी पर विश्वास करो ना करो, पर शंकर पर विश्वास जरूर करो, शंकर पर भरोसा जरूर करो। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर, वो अड़भंग है, आनंद है, अड़भंग शंकर। और शिव का स्वरूप जो जो होगा, चाहे हनुमान हो चाहे भैरव हो, कभी नहीं वो किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो उसका एक एक अंश इतना प्रबल है, अगर प्रवेश कर गया तो फाड़ के निकल जाए शरीर से, साधारण है क्या? तो किसी ने पूछा ये क्यों नहीं आते, तो भक्त कहता है इनको आने की जरूरत ही नहीं, किसी के शरीर में ये खुद ही आ जाते, कोई बुलाए तो शरीर, ये शरीर में नहीं आते ये खुद आ जाते। हनुमान को अगर दिल से पुकारिए, थोड़ी देर बैठकर राम नाम का जाप करिए, हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर का दिल से पुकारिए, एक लोटा पानी चढ़ाइए, शंकर जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। भैरव का स्मरण करो, थोड़ी देर दिल से पुकार लो, भैरव सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर के जितने स्वरूप है शिव सम्मुख में आ जाएगा। आप केवल दिल से एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसकी चाकरी करो, उसकी आराधना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो,
अरे ये भी जाने दो, कितनी सुंदर बात है साहब, वो भी देखिए, एक 27 साल का या 26 साल का लड़का था महाराज, अहमदाबाद का, नवीन भाई करकर उसका नाम है, देखो उसके मकान का नंबर वगैरह हमारे यहाँ सीहोर में लिखा होगा। वो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आया सीहोर, और बहुत दुखी सा था, बहुत दुखी सा, सब किसी की गाड़ी चला रहा था, तो वो गाड़ी से किसी को छोड़ने आया था, तो वो यहाँ से निकल कर जा रहा था। उसने कहा कि कुबेरेश्वर धाम होते जाते हैं, मैं टीवी उस पर मोबाइल पर कथा सुनता हूँ, तो महाराज जी से मिलने आए। तो उसने कहा बड़े दुखी है महाराज, तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उस कथा में एक बार कहीं कह दिया होगा कि अगर कुछ नहीं दान करते बने तो बेलपत्री का ही दान दे दो, एक बार कहीं कथा में कह दिया होगा लॉकडाउन के समय पर, उसने सुन लिया उस कथा में। तो उसने प्रश्न किया कि बेलपत्री का दान कैसे होता है, तो बात ही बात में हमारे मुख से निकल गया कि सावन का महीना आए और सोमवार की सोमवार या रोज प्रतिदिन लोग शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाने के लिए ढूंढते हैं, बेलपत्री नहीं मिलती है, तो एक काम करा करो कि पेड़ पे से बेलपत्री तोड़ कर निकाल कर छाट कर धो कर सबके घर में पांच पांच दस दस देकर आ जाया करो, ये भी दान है, ये भी दान है। और अगर गुरु जी किसी के घर में शंकर जी नहीं होगा तो वो बेलपत्री कहां चढ़ाएगा? अरे भाई अगर बेलपत्री पहुंच जाएगी तो फेंकेगा थोड़ी ना, किसी भी देवता को चढ़ाएगा, चढ़ाएगा तो सर तेरा काम है देना, तू तो दे दे, तुम्हारा काम देने का, टेंशन नहीं लेने का। कई लोगों को टेंशन हो जाता है, मंदिर में देवी जी को इतनी सारी साड़ी चढ़ती होगी तो पंडित जी क्या करता होगा, सत्यनारायण भगवान के कथा होती है तो इतना सारा प्रसाद चढ़ता होगा तो महाराज क्या करता होगा। अरे उस तुम्हारा काम है देना, महाराज का काम है लेना, बाकी की टेंशन महाराज की, तुम तो अपना काम करो, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना कर्म किए जाओ। देखो अगर सीओर ऑफिस में नंबर होगा तो हम आपको देंगे, आप उस बच्चे से बात करना, सावन के महीने में उसने एक ही काम करा, पेड़ की बेलपत्री ला ला कर पाँच पाँच दस दस बेलपत्री का पैकेट बनाया, सबको दे दिया, लो शंकर जी को चढ़ाना। दान देखिए कितना कितना विचित्र धन नहीं है आपके पास में, तो बेलपत्र तो है। अभी एक भैया डब्बे में भरकर बेलपत्र लाए, लेकर आए शिव जी को चढ़ाने के, अच्छा लगा। ये दान देखिए बेलपत्र, उस बच्चे से कभी मौका लगे और आपको नंबर मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे नंबर देने का, उससे बात करना कि उस दान से उसको क्या फल मिले। पहले दूसरे की गाड़ी चलाता था, अब खुद की गाड़ी चला रहा, स्वयं की, नहीं हमारे पास में देने का कुछ भी, भाव तो है निर्मल मन सोमोही पावा, बहुत है उतना दे दीजिए, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है एक भक्तन ऐसी थी, शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा अपना ले जाती थी, पानी भी अपना ले जाती थी, और किसी को लोटा नहीं मिलता था तो भरा भराया लोटा दूसरे को दे देती, लो चढ़ाओ चढ़ाओ शंकर जी को चढ़ा दो तो तुम्हारा पानी, अरे तुम तो चढ़ा दो, एक ही बात है, तुमने चढ़ाया हमने चढ़ाया, तुम चढ़ाओ हम यहीं से दर्शन कर लेंगे, अपना लोटा भरा हुआ। और नहीं तो आज के जमाने में लोग लड़ाई कर ले, हमारा लोटा क्यों उठाया, हम पानी लेकर आए थे, हमारा दूध रखा था, हमारा दही रखा था, तुमने क्यों भगवान को चढ़ाया, तुमने क्यों थाली उठाई, तुमने क्यों फूल चढ़ाया। पर उसने कह दिया उठाओ ले चढ़ा, एक भक्तन ऐसी भी थी। भक्त है भगवान, भक्त भक्त होता। कात्यायन ऋषि ने पूछ लिया पिता कात्य से, पिताजी मैं क्या भजन करूं कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। कात्यायन ऋषि ने जब पूछा तो कात्य ने कहा कि तुम शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना के साथ में कात्यायन ऋषि का मन आद्य शक्ति जगदम्बा पार्वती की आराधना में लग गया। जो माता की आराधना करना प्रारंभ करी, जो आराधना करना प्रारंभ करी, एक दिन स्वयं शंकर और पार्वती
कात्यायन ऋषि के सामने आकर खड़े हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। कात्यायन ऋषि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे घर में ये आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी जो पत्नी है पार्वती, मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, बस इतनी कृपा कर दो और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने मन में सोचा कि महिषासुर को मारना है और महिषासुर को मारना है और मारने के लिए पार्वती को एक अवतार तो लेना पड़ेगा, तो क्यों ना एक काम करते हैं कि कात्यायन ऋषि के घर में पार्वती का जन्म करा देते हैं और जब पार्वती कात्यायनी बनकर जन्मेगी स्वयं मार देगी महिषासुर। पार्वती जी का एक नाम है नवरात्र में छठा दिन, कौन सी माता जम के बोलिए जरा, कात्यायनी माता, कौन सी माता है कात्यायनी। और कात्यायन ऋषि के घर में माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट हो गई। कात्यायनी बनकर प्रगटी, थोड़ी अवस्था हुई, बड़ी हुई, पिता से पूछा पिताजी मेरे प्रागट होने का कारण क्या है। तुम्हें महिषासुर का संहार करना, ठीक है, जहां उपद्रव करना प्रारंभ करा और महिषासुर उपद्रव पर उपद्रव करने लगा, बहुत उपद्रव मचाया महिषासुर ने, तब माता कात्यायनी को क्रोध भगवान शिव ने दिलाया और शिव ने जब क्रोध दिलाया तब महिषासुर स्वयं कात्यायनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महिषासुर उनको देखकर आसक्त हो गया और कहने लगा कि मुझे तुम्हें अपना बनाना है। कात्यायनी खिलखिल कर हंसी और देवताओं ने पुकार दिया, तेरे भक्तजनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी।